brought to you by Higher. Let's do this. Fill it up. Let's do this now. बड़े बड़े होर्डिंग्स और इश्तिहार अक्सर हमें अपनी ओर खींचते हैं। इन्हें इश्तिहारों का पीछा करते करते कितने ही सारे स्टूडेंट्स बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स की ओर खींचे चले जाते हैं। अब ऐसे ही भ्रामक विज्ञापन देने वाले कोचिंग सेंटर्स पर भारत सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसका उद्देश्य उपभोक्ता और छात्रों के हितों को ध्यान में रखना है। उपभोक्ता मंत्रालय की सचिव निधि खरे कहती हैं कि उपभोक्ताओं और छात्रों के हित में ये फैसला लिया गया है। अगर कोचिंग सेंटर इन दिशा निर्देशों के बाद भी गलत विज्ञापन जारी करते हैं तो उनके ऊपर 10 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और फिर भी अगर वो मनमानी करते हैं तो उनके विज्ञापन बनवाने और जारी करने की लाइसेंस को भी रद्द कर दिया जा सकता है। सबसे पहले आपको सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस बताते हैं। पहला, इन दिशा निर्देशों के मुताबिक कोचिंग सेंटर की परिभाषा स्पष्ट की गई है, जिसके मुताबिक कोचिंग का अर्थ है एकेडमिक सपोर्ट, शिक्षा संबंधी गाइडेंस। नियम के तहत कोचिंग सेंटर का मतलब ऐसे सेंटर से होगा जिसमें 50 छात्र तो पढ़ते ही हों और इस पर एक या उससे ज्यादा लोग प्रशासन करते हैं। दूसरा, कोचिंग सेंटर के अलावा ऐसे कोचिंग सेंटर को एंडोर्स या फिर प्रोत्साहन देने वाले लोगों पर भी ये नियम लागू होंगे। परिभाषा के तहत एंडोर्स का मतलब स्पष्ट किया गया है, जिसके मुताबिक कोई भी व्यक्ति या फिर व्यक्तियों का समूह या फिर ग्रुप या कोई ऐसी संस्था जो अपनी राय, विज्ञापन या अनुभव के जरिए उसके बारे में प्रचार कर रहे हैं। तीसरा, इस नए नियम के तहत कोचिंग सेंटर्स को अपनी सेवाओं और गुणवत्ता को लेकर भी स्पष्ट जानकारी देनी होगी। इसमें ट्यूशन सेंटर द्वारा कोर्स के बारे में, उसे पढ़ाने वाली फैकल्टी के बारे में, कोर्स की फीस के बारे में स्पष्ट जानकारी देनी होगी। साथ ही उस कोचिंग सेंटर द्वारा लोगों के सिलेक्शन परीक्षा में रैंक या उसकी सफलता के बारे में विज्ञापन भी इस नियम के दायरे में आएंगे। चौथा, कोचिंग सेंटर अब ये दावा नहीं कर सकेंगे कि उनके बैच जल्दी से जल्दी भरने वाले हैं, क्योंकि इसकी वजह से बच्चे आनंद फानंद में कोचिंग सेंटर्स में एडमिशन ले लेते हैं। पांचवा, प्राकृतिक आपदा या फिर आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए कोचिंग सेंटर को अपने विज्ञापन में सेवाओं संबंधित और सुविधाओं संबंधित सारी जानकारियां देनी होंगी। साथ ही ये भी बताना होगा कि उनके यहाँ कितने स्टूडेंट्स के बैठने की व्यवस्था है, किस तरह की सुविधाएं हैं, एंट्री और एग्जिट कितने हैं। दरअसल उपभोक्ता मंत्रालय का कहना है कि कोचिंग सेंटर भ्रामक विज्ञापन देते रहते हैं, ऐसे में छात्रों को भ्रम से ना गुजरना पड़े, इसकी वजह से ये नियम लागू किए जा रहे हैं। इसी प्रकार से श्रीराम आईएएस, अब यहाँ पर भी 200 प्लस सिलेक्शंस का क्लेम किया गया, जबकि इंस्टीट्यूट के पास सिर्फ 171 एक्चुअल सिलेक्शंस का ही एविडेंस था। इनमें से भी 2 लोगों ने मॉक इंटरव्यू लिया, 52 स्टूडेंट्स ने टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट लिया। तो इंस्टीट्यूट को ये बातें लोगों तक बतानी चाहिए कि भाई वो जिन लोगों के सक्सेस के बारे में बता रहे हैं उन्होंने वास्तव में कौन सा कोर्स लिया था और क्या वो पेड था या वो फ्री था। नेक्स्ट, इसी प्रकार से मलुका आईएएस, यहाँ पर इन्होंने बाकायदा लिखा गारंटीड प्रीलिम्स एंड मेंस, एंड देन दे ऑल्सो क्लेम दैट 136 सिलेक्शंस इन यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022 was मतलब these selections were basically made from their institute। जब इसके बारे में पता किया गया तो ये पाया गया कि इसमें भी free interview guidance course 134 students ने लिया था और इसमें भी एक false guaranteed success को use किया गया, जबकि ऐसी कोई guarantee नहीं थी। यानी guaranteed तब होता है जब अगर हम कहें कि 100 छात्रों ने भाग लिया था और 100 के 100 लोग आ गए, they could not actually prove this their point। यहाँ पे एक इकरा आईएएस भी है जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगी। इन्होंने टेस्टिमोनियल्स ऑफ टॉप रैंक होल्डर्स ऑफ यूपीएससी फॉर द ईयर 2015-17 का लिया, जबकि हमें पता चला कि वास्तव में ये सेटअप ही हुआ था 2018 में। सो देयर वाज दृष्टि आईएएस अगेन, यहाँ पे भी इन्होंने लिखा 150 प्लस सिलेक्शंस इन 2021 और इसमें भी पाया गया कि मेजॉरिटी ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैड ओनली टेकन फ्री मॉक इंटरव्यू
और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। CCPA ने अब तक 18 कोचिंग संस्थानों के खिलाफ 54 नोटिस जारी किए हैं। इन पर करीब 54,60,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। चलते चलते एक और जरूरी सूचना, ललन टॉप का सालाना डलॉट आया है। इस बार तारीख है 22 से 24 नवंबर, जगह वही दिल्ली का मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। रजिस्ट्रेशन के लिए ललनटॉप.com पर दिए गए बैनर पर क्लिक कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और 3 दिन के ललन टॉप अड्डा का हिस्सा बनिए सिर्फ 499 रुपए में। फिलहाल इस खबर में इतना ही। गाइडेंस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइए। खबर को लिखा है वैष्णवी ने, मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। 499 रुपए में क्या ही मिलता है? पॉपकॉर्न का एक डब्बा मिलता है, एक कहानी पूरी सुनते हो और सब सफाचट हो जाता है। लेकिन अब बारी है कितनी ही कहानियां सुनने की। मम्मी को आप पसंद क्यों नहीं है बताएंगी सुनंदा शर्मा। मम्मी कैसी है पूछेंगे महीप सिंह। कहां गाड़े थे विधायक जी आके खुद बताएंगे रामाधीर सिंह यानी कि तिग्मांशु धूलिया। तापसी पन्नू आएंगी और बताएंगी OTT पर साम्राज्य कैसे कायम किया जाता है। और तमन्ना की तमन्नाओं की भी तो खबर सुननी है। फिर मुन्ना भैया भी चले आ रहे हैं पूरा कारवां लेकर। और जो मुन्ना भैया बचे वो आ रहे हैं स्टैंड अप कॉमेडियन एक और, नाम है गौरव कपूर। पर इन सबसे इतर है एक बहुत बड़ा सवाल जिस पर पूरे ब्रह्मांड में मंथन चल रहा है कि ब्राउन रंग किसने लिखा है। जानने के लिए बादशाह रैपर से आपको खुद सवाल पूछना पड़ेगा, काहे से कि वो भी आ रहे हैं। इतने सारे सितारे आ रहे हैं, सब नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये ललन टॉप अड्डा का प्लान है। कोई पेपर तो है नहीं जो लीक हो जाए। 499 रुपए का टिकट है, 3 दिन की भरपूर मौज है। तारीख जल्दी से कैलेंडर पे कटअप जीरो करके बना लीजिए, 22, 23 और 24 नवंबर। जगह है दिल्ली का नेशनल स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद यानी दद्दा के नाम पर बना हुआ नेशनल स्टेडियम। और ये टिकट मिलेगा कहाँ? फटाक से जाइए dlalantop.com की वेबसाइट पर, उसके माथे पे चमचमाता हुआ बैनर दिखेगा, ठोक दीजिएगा क्लिक, भर दीजिएगा डिटेल, मिल जाएगा आपको अपना टिकट। और मिलेंगे हम जो इस टिकट के उस पार की दुनिया, किस्से कहानों की तजुर्बों की ज्ञान की दुनिया को आपके सामने परोसेंगे। बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारा गाना, बहुत सारी मस्ती और बहुत ही ललन टॉप किस्म के अनुभव। तो आइए ललन टॉप के सालाना उत्सव में, ललन टॉप अड्डा में आपका भरपूर स्वागत है।